साउथ दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है हमारे पंजाब का बहुत ही ब्रिलियंट और जबरदस्त सिंगर प्रभ गिल। तालियां। क्या चल भाजी? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाजी, कैमो कैम बहुत बढ़िया। सो दिल्ली में आप आए हो मेरे शहर में, सो कैसा फील कर रहे हो पहले तो मुझे बताओ यार। बहुत बढ़िया राज, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एज ऑलवेज बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके शहर दिल्ली में। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। अभी कुछ टाइम पहले आप बोल रहे थे कि ट्रैफिक मुझे पसंद, दिल्ली का क्या मतलब? हाँ, दिल्ली का ट्रैफिक थोड़ा परेशान कर देता है। एक्चुअली क्या होता है कि टाइम बाउंड वो थोड़ा हिल जाता है, टाइम का सेटिंग हिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 10-15 मिनट लेट हूँ, सो वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा ऐसा हो जाता है, पर नहीं, स्टिल आई लव द एनर्जी हियर। सो बहुत अच्छा होता है। ठीक है भाई, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा ट्रैफिक में ना फंसो आप, अगली बार जवाब। लेकिन देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 15 मिनट लेट है, क्या बात है, तालियां। थैंक यू भाई। अब गाना है थिंक वंस जी, रोच किला, प्रभ गिल, मिक्स सिंह का म्यूजिक है। मैंने गाना देखा भाई, आप तो इंटरनेशनल जा रहे हो। मतलब आपके जो पिछले गाने थे उनसे बहुत अलग है, तो जरा इसके बारे में बताओ, ये इंटरनेशनल कैसे जा रहे हो? ये राज सिर्फ एक थॉट था, और ये थॉट 1 साल पहले बना था। जस्ट दलजीत चिट्टी जिन्होंने ये गाना लिखा, उन्होंने मुझे ये गाना सेंड किया। मुझे ये गाना ठीक ठाक सा लगा कि इतना बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, पर जब इसे स्टूडियो में इस पर काम करना शुरू किया तो वो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मिक्स सिंह ने अपनी आवाज़ में मुझे ये गाना सेंड किया, थोड़ा गा के मुझे थोड़ा अपील करने लगा। तो उसने मुझे बोला कि भाई एक बार आप गा के देखो, चाहे वो फ़ोन पे मुझे अपनी वोकल सेंड करो। मैंने उसको फ़ोन पे अपनी वोकल सेंड की, तो जो आप सुन रहे हो वो बन गया फाइनली। उसके बाद 31 जुलाई 2016 को पहली बार मैंने उससे ये गाना सेंड किया था, और 31 जुलाई 2017 को ये गाना फाइनली रिलीज़ हुआ, आउट हुआ। सो 1 साल की मेहनत थी इस गाने के पीछे। इस गाने में बहुत सारी चीज़ें डिलीट की गई, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई, जैसे रॉज का रैप और सो मेनी थिंग्स वहाँ पे ऐड की गई। सो फाइनली हमारी मेहनत जो थी वो रंग लाई, और लोगों ने पसंद किया बहुत। हाँ, गाना क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, टीम डीजी ने उसको शूट कराया। सो मुझे बताओ कि जो हमारे वर्ल्ड फेमस रैगे रैपर है रोच किला, वो कैसे आए इसमें यार? क्योंकि मतलब आपके जितने पहले के गाने हैं वो बहुत अलग है। जी बिल्कुल। और रोच किला मतलब वो तो यार यूके का बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है जी, एवरीवन नोज। तो वो कैसे? एक्चुअली आज से 2 महीने पहले तक भी रोच इस गाने में नहीं था, और मैं जा रहा था अमेरिका टूर पे अपने, और उससे पहले मेरा एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था। मैंने उसको ये गाना सुनाया, और उसने मुझे सजेस्ट किया कि इसमें रैप कुछ करवाया जा सकता है। उसने मुझे 2-3 रैपर अच्छे बताए, बिकॉज मुझे इतना पता नहीं था, मैंने पहले कभी भी ऐसा गाना नहीं किया। सो रॉच फाइनल हुआ, मिक्सिंग ने उसको डिसाइड किया। 1-2 और थे, पर मिक्सिंग को आई डोंट नो वाई उसको लगा कि ये सबसे बेटर रहेगा। सो रॉच के साथ कांटेक्ट हुआ, उसने सबसे पहले गाना मंगवाया, और जब उसने गाना सुना तो फिर वो बोल रहा था कि बस इसको मैं ही करूँगा और नहीं कोई करेगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस और मेरे लिए कुछ नया था, बट स्टिल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ओके और क्योंकि इससे पहले आपने जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है बहुत फेमस है, तो मिक्सिंग आई थिंक फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग विद मिक्सिंग जी। ये मिक्सिंग के साथ मेरा पहला टाइम। ये भाई प्रोजेक्ट में कैसे घुसे, क्योंकि ही इज अ ब्रिलियंट म्यूजिक जी। ये भी एक्चुअली दिल्ली से है, मैं बता दूं, और बहुत अच्छा काम करता है ये मेरा भाई, और बहुत देर से हम एक्साइटेड थे आप उसके साथ काम करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे बन रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ भाई आपका गाना आपके साथ एक बार आ जाए ना। मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट थी, तो गाने उसके साथ और भी 2-3 बने पड़े हैं, पर सबसे पहले हमने ये रिलीज़ करना ठीक समझा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज म्यूज़िक, और बहुत ब्रिलियंट काम करता है वो। और उसके साथ मेरी फेसबुक पे बात हुई थी आज से 2 साल पहले, उसने अपना काम भेजा था, तो मुझे अच्छा लगा था, ऐसे ही हमारा कांटेक्ट हुआ था आपस में। ठीक है भाई, तो और कांटेक्ट हुआ, गाना इतना गाना बना, फिर गाना सुपर हिट हुआ। सो गाने के बारे में बहुत बातें कर ली है, सो अगर गाने गा दोगे तो फील आ जाएगी यार। अरे बिल्कुल, क्यों कर दी ना फील मेरे प्यार नू, आई नी इदां तड़फाउनी है क्यों यार नू, क्यों कर दी ना फील मेरे प्यार नू, आई नी इदां तड़फाउनी है क्यों यार नू, ओ तेनू राहां विच डक्कां गल दिल दी मैं दस्सां मैनू हो गया है तेरे ना प्यार नी, जरा सोच मुटियारे मुंडा कातों गेड़ी मारे है नी तेरे पिछे इदां बार बार नी। क्या बात है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो पाजी मुझे एक बात बताओ कि 12 साल की उम्र से आप गाना गा रहे हो, ठीक है? सो आपके पिताजी ने आई थिंक म्यूजिक आपके लाइफ में वो लेकर आए जी जी बिल्कुल। फिर भल्ला साहब आपके म्यूजिक टीचर थे जी जी, उनसे आपने म्यूजिक सीखा। सो ये मतलब अपनी म्यूजिक जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब म्यूजिक 12 साल के एज आप गा रहे हो। भाई शुरू से शौक था बचपन से कि गाना है, और डैड ने बहुत हेल्प की। डैड ने अच्छा अच्छा म्यूजिक मुझे ला के दिया सुनने के लिए, जिससे ज़्यादा इंस्पायरिंग वही है ना कि अच्छा म्यूजिक सुनोगे नहीं तो अच्छा म्यूजिक बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बचपन से ही अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुनता रहा, तो दिल था कि ऐसा ही काम करना है और गाना है। एक टाइम में डिसाइड कर लिया था कि गाना ही है, कॉज मुझे स्टडी थोड़ी हार्ड लगी, मुझे पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगा। तो मुझे था कि कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें लोग भी आपको जानते हैं, आपकी पहचान बनती है और ऐसा कुछ। तो मेरे एक कज़न थे जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने डैड को बताया कि हाँ ये अच्छा गा लेता है। और डैड जब मुझे फर्स्ट डे मेरे म्यूज़िक टीचर के पास लेके गए तो मुझे याद है कि सर ने मुझे बोला कि अपनी आवाज़ सुनाओ। तो मैं गा नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं इतना शाय था, इतना डरा हुआ था कि मैं कैसे करूँगा ये सब, है ना। सो पर स्टिल धीरे धीरे क्लासेस ज्वाइन की, म्यूज़िक थोड़ा सीखना शुरू किया, हारमोनियम प्ले करना शुरू किया, तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा, है ना। उसके बाद फिर ये पैशन बन गया भाई। उसके बाद दिलजीत भाई के साथ मैंने एक एज एन कोच सिंगर काम करना शुरू किया। 5-6 साल उनके साथ एज एन कोच सिंगर काम किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़ते गए और मज़ा आने लगा काम में। और तब तो सोच लिया कि बस करूँगा तो ये करूँगा, इसके बिना और कुछ नहीं करूँगा। तो ये सब इतनी सालों की मेहनत करने के बाद तब जाके प्रभ गिल बना। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है भाई। अच्छा पाजी मुझे अब ये बताओ कि देखो इतनी, जैसा आपने बताया कि 12 साल से आप सिंगिंग कर रहे हो, तब जाके प्रभ गिल बना, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ा। What's your struggle? भाई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नहीं था, कॉज हर एक काम में स्ट्रगल करना पड़ता ही है। इसमें इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ मैंने स्ट्रगल किया, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अपनी कोई चीज़ अचीव करने के लिए अगर स्ट्रगल करना पड़े तो मेरे हिसाब से तो बनता है। पर जब आप अचीव कर लेते हो तो मज़ा जो है उस स्ट्रगल के बाद ही आता है। सो हाँ स्ट्रगल था। बहुत सारी म्यूज़िक कंपनीज़ के पास गया तब, जब कोई नहीं जानता था। बहुत जगह से रिजेक्ट भी हुए, और बहुत जगह पे ऐसा भी हुआ कि भाई इतने पैसे लेके आओ तब काम शुरू होगा ना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी। फिर दिलजीत भाई के साथ मुझे याद है 300 रुपये में मैं कोर्स, डेली कोर्स पे जाता था, 300 रुपये मिलता था, और उसको ऐड कर करके मैंने एक लैपटॉप लिया। अच्छा। और लैपटॉप में से मैंने फर्स्ट टाइम अपना यूट्यूब पे गाना अपलोड किया, जिसके बाद धीरे 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 सब कहीं मेरी आवाज़ पहुंची। और ऐसा पहले 300 रुपये मिलता था, फिर 700 मिलने लग गया, फिर 1000 मिलने लग गया, और वो सब जोड़ जोड़ के मैंने लैपटॉप लिया। क्या बात है भाई। पर मुझे बात बताओ, जब भी कोई नया सिंगर होता है, मतलब जब भी वो लेबल्स के पास जाता है स्पेशली, तो मतलब उसको इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? जैसे आपने बोला कि यार इतना पैसा मांगते हैं ये वो। भाई ऐसा हर एक काम में ही है, नॉट जस्ट म्यूजिक में, ऐसा हर एक काम में ही है कि जब आपको कोई नहीं जानता होता तो हर एक बंदा ऐसा एक बार तो करता है कि भाई तेरे पे मैं पैसा लगाऊं तो क्यों लगाऊं, ऐसा तेरे में क्या है। बिकॉज जब तक आपको कोई नहीं जानता होता वो रिस्क होता है। चाहे वो आप मार्केट में आने के बहुत ज़्यादा हिट हो जाओ, आप उसको दुगनी तिगनी कमाई करके दो, पर एक बार रिस्क लेने से हर कोई डरता है। सो ऐसा चक्कर होता है कि एक बार म्यूज़िक लेबल्स और सब कोई एक बार तो टेंशन में होता है कि भाई इस पर पैसे क्यों लगाए जाएँ। सो ये स्ट्रगल, ये सारी किसी को प्रूव करना कि हाँ मेरे पास, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में यह पोटेंशियल है। सो ये प्रूव जो करना होता है ना, वो सारी स्ट्रगल होती है। सो वो तो मस्ट है मेरे ख्याल। वही बात है ना कि तुमको जॉब पर रखो तो क्यों रखो, ऐसा तुम में क्या है। बिल्कुल। तुम्हारे आने से कंपनी में क्या बदलाव हो जाएगा, बस ये फंडा है। ठीक है पाजी, देखो आपको, यू आर अ बिग नेम, यू आर अ एस्टैब्लिश्ड सिंगर। सो मुझे बताओ कि हु इज योर कंपटीशन, आपका कंपटीशन कौन है? मेरा कंपटीशन आज के टाइम में हर एक जो मेरे वैसे तो है, तो मेरे भाई सब, हार्डी संधू हो गया, जस्सी हो गया, बब्बल हो गया, सब जो हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। मैं किसी को एज एन कंपटीशन नहीं लेता हूं, पर हाँ हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि भाई तो हम हैं ही हैं, पर काम भी हमारा, जॉब्स भी हमारी एक ही है। सो कंपटीशन चलता रहता है। गाने हैं भाई, कभी किसी के चल जाते हैं, किसी का पीछे रह जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ। पर मेरे साथ जो मेरे सभी भाई काम कर रहे हैं वो काइंड ऑफ हमारे कंपटीटर्स ही हैं, मेरे कंपटीटर्स ही हैं। पर हर एक बंदे की कोशिश होती है कि अच्छा किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए। खुशी की बात यह है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टिल वी आर कॉम्पिटिटर्स, हम इकट्ठे हैं, हम भाई हैं और ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सही बात भाई, थैंक यू। अच्छा भाई, आपने बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया हुआ है जी, B-Prank भाई के साथ, DC Roots के साथ, अभी मिक्स सिंह हो गया। सो सच से बताना 16 आने सच कि कौन आपका फेवरेट म्यूजिक कंपोजर और क्यों? ये सवाल सबसे मुश्किल है। सबसे फेवरेट तो नहीं बोलूँगा मैं, सबसे क्रिएटिव अगर बोलूँ तो वो B-Prank भाई है। सबसे डिफरेंट जो मतलब मैं जिनसे एक्सपेक्ट ही ये करता हूँ कि अगर ये गाने की कंपोजिशन बनाएंगे तो ये कुछ डिफरेंट करेंगे, इसमें कुछ डिफरेंट रंग भरेंगे। सो फेवरेट नहीं पर सबसे क्रिएटिव मैं उनको बोलूँगा, बिकॉज फेवरेट एक डिफरेंट थिंग है, पर एज इन अगर मैं लोगों के लिए बोलूँ तो एक क्रिएटिव चीज़ उनको बताऊँ तो वो है B-Prank भाई। वो बहुत क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छा वो गाने को फिल कर देते हैं एकदम बिंदा। और ऐसा कोई कंपोजर के साथ काम करके मज़ा नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई मैं ऐसे काम ही नहीं करता हूँ। मेरा फंडा है एक छोटा सा कि मैं ऐसे काम ही नहीं करता हूँ। अगर जहाँ पे आपके थॉट्स नहीं मैच करते ना, वहाँ पे काम अच्छा नहीं निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ जिसके साथ मुझे पता हो कि यार ये बंदा मेरी नहीं सुनेगा और मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो चीज़ क्या बनेगी, कुछ भी नहीं। सो बेटर है कि काम ही उसके साथ करो जो आपकी सुने, आपकी माने। ठीक है, ठीक। अच्छा भाई, मुझे बताओ कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और किन किन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो? भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अभी इसके थोड़ी देर बाद एक रोमांटिक सॉन्ग, 100% रोमांटिक सॉन्ग मिलेगा आप लोगों को सुनने को, और उसके बाद कुछ मूवीज़ में गाने हैं, पंजाबी मूवीज़ में, और 2018 में होपफुली हिंदी मूवीज़ में भी आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह, परमात्मा करे। और ऐसा पंजाबी म्यूज़िक को लेके अभी तो अच्छा कुछ चल रहा है, और कुछ मैं आउट ऑफ पंजाब के लिए भी बना रहा हूँ, और वो जब मेरे को मेक श्योर हो जाएगा मैं तब अनाउंस करूँगा। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे बताओ, आप इसको इतने रोमांटिक सिंगर हो, आपके मोस्टली सॉन्ग रोमांटिक होते हैं, सो मतलब क्या लाइफ में मतलब रोमांस बहुत है, मतलब क्या गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी है, मतलब क्या, मुझे बताओ पहले यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि मेरी आवाज़ एक्चुअली हम लोगों के एक आवाज़ एक होती है ना, डिफरेंट लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ से रोमांटिक सॉन्ग्स जो सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक मुझे ऐसे सॉन्ग सुनने बहुत पसंद हैं, शायद इसलिए मैं ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हम ऑलमोस्ट सोने जा रहे होते हैं, तो तब हम कैसा म्यूज़िक सुनते हैं, और जो वो म्यूज़िक है मेरे ख्याल वो अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक होता है। जब हम आराम वाइल जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब सुनते हैं, तो मुझे ऐसा होता है कि वो म्यूज़िक में पे काम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जो हम जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तब सुनते हैं। सो इसलिए मैं रोमांटिक थोड़े सूदिंग सॉन्ग्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके। अच्छा एक बात, लड़कियाँ मतलब जानना चाहती है कि प्रभ गिल इज़ सिंगल और नॉट? प्रभ गिल इज़ नॉट सिंगल एनी मोर। किससे कमिटेड है प्रभ गिल, ये जानना चाहते हैं बाकी के लोग। अपने काम के साथ। उसकी लाइफ में कोई स्त्री है? जी हाँ है। क्या नाम है उनका? नाम नहीं बताया जा सकता। तो मतलब प्रभ गिल इज कमिटेड। जी मैं अपने म्यूजिक के साथ, अपने काम के साथ 100% कमिटेड हूँ भाई। समझ गया मैं, इनके चेहरे जो स्माइल ने बता रही है कि ये अपने काम से भी कमिटेड है और ये लाइफ में भी कमिटेड है। अच्छा भाई, मुझे बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो शो अब मतलब सेकंड शो खत्म होने को आ रहा है, लास्ट वन की बात। देखो मैं हूँ दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा, सो मेरे शो पर आकर आपको कैसा लगा, ये बताओ मुझे पहले। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल्ली वालों की मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, तो पॉजिटिविटी और आप कमाल हो भाई, बस मैं तो ये बोल सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात कि ये दिन का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, और अगर पहला इंटरव्यू इतना एनर्जेटिक रहा तो मुझे पता है कि मेरा दिन अच्छा जाने वाला है। एनर्जेटिक और जी फाड़। अच्छा भाई देखो, एक गाना जो हम अपने रेडियो स्टेशन में बहुत प्ले करते हैं, मेरे कोल। सो भाई मैं जाने से पहले मतलब चाहूँगा कि यार वो गाना और मतलब मेरे लिए, हमारे स्टेशन के लिए और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए। सो सारे लिसनर्स के लिए स्पेशली, और भाई के लिए, और जितने भी मेरे इस सॉन्ग को प्यार करते हैं उनके लिए, मेरे कोल मेरा खुद का फेवरेट गाना, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस गाने को। सो तू रोएगा पछताएगा हाथ कनानू लाएगा दिन विच ही दिसू हनेरा सुनना में चार चुफेरा याद मेरी ने यारा तेनू पा लैना ए केरा जे तू मुड़ के ना मेरे कोले आया वे ना बदल दई मेरा ना बदल दई मेरा। क्या बात है भाई, थैंक यू भाई, आप मेरे शो पर आए, फ्यूचर में और अच्छा काम करो और जी फाड़ दो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।